Hey guys, मैं हूँ देबुलेना एंड वेलकम टू माई चैनल पॉप्सिकल. सो आज है डे 5 ऑफ 7 डे स्किन केयर ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज एंड अब तक हम पहुँच चुके हैं डे 5 में. बाकी बचे हैं और 2 दिन एंड आप में से बहुत सारे लोग ट्राई भी कर रहे हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बता भी रहे हैं एंड इंस्टाग्राम में भी मुझसे मेरे साथ शेयर कर रहे हैं कि आप लोग का चैलेंज कैसा जा रहा है. एंड अब तक कि आप लोग का चैलेंज भी अच्छा जा रहा है, आपको रिजल्ट भी अच्छे मिल रहे हैं. एंड जिन्होंने अब तक स्टार्ट नहीं किया है, प्लीज़ ज़रूर इसको एक बार स्टार्ट करके, एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना रिजल्ट. तो चलिए मूव ऑन करते हैं डे 5 में, हमें क्या करना है. सो डे 5 में हम एक प्रिपेयर करेंगे एक फेस पैक, और वो फेस पैक आपके स्किन टाइटनिंग में हेल्प करेगा, आपके पोर टाइटनिंग में हेल्प करेगा. अगर आपकी स्किन लूज़ हो रही है, ढीली पड़ गई है, अगर आपके ओपन पोर्स है बहुत ज़्यादा, तो उसको श्रिंक करने में हेल्प करेगा, आपकी स्किन को टाइट करने में हेल्प करेगा. ऑल्सो अगर आपके डलनेस आ गई है तो ऑब्वियसली ग्लो लेकर आएगा. और ये पूरे चैलेंज में आई होप आपको आपकी स्किन एक नई बेहतर तरीके में आपको नज़र आ रही होगी. तो इस फेस पैक को कैसे बनाना है, फेस पैक के लिए हमें चाहिए आटा यानी कि व्हीट फ्लार. यस, सो आटा मैंने यहाँ पे ले लिया है 1 टीस्पून. 1 टीस्पून आटा उसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून दही यानी कि योगर्ट, एंड देन उसमें हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून हनी यानी कि शहद. इन तीनों को अच्छे से हम पेस्ट बना लेंगे, एक स्मूथ कंसिस्टेंसी का पेस्ट बना लेंगे एंड अपने क्लीन फेस पर इसको अप्लाई करेंगे. नाउ आटा किस लिए यूज़ होता है, ऑब्वियसली आटा में होता है आपकी वाइटनिंग प्रॉपर्टीज़. अगर आपकी स्किन बहुत डल हो गई है या फिर अगर आपके ब्लेमिशेज है, डार्क पैचेस है, देन पिगमेंटेशन है, उसको लाइटन करने में हेल्प करता है. अगर आपको बहुत ज़्यादा टैनिंग हो गई है, टैन रिड्यूस करने में हेल्प करता है, टैन को वो हटा देता है आटा. ऑल्सो अगर आपकी स्किन लूज है तो स्किन को टाइटन भी करता है. सो अगर आपको रिंकल्स की प्रॉब्लम, आपके झुर्रियाँ आ रहे हैं, देन आप ज़रूर अपने डेली बेसिस पे आटा यूज़ कीजिए. आटा से आपकी स्किन बहुत टाइट हो जाती है. ओके, नेक्स्ट इसमें योगर्ट है. योगर्ट आपकी स्किन की ब्राइटनिंग में हेल्प करता है, स्किन को ब्राइटन अप करता है, टैन रिमूव करता है, हाइड्रेट एंड मॉइस्चराइज्ड रखता है. हनी आपके एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होते हैं उसमें, जो कि आपके ब्लेमिशेज, एक्ने वगैरह की प्रॉब्लम अगर है तो वो रिमूव कर देता है. साथ ही साथ स्किन को हाइड्रेट रखता है, एक्सफोलिएट करता है, डेड स्किन सेल्स को रिमूव कर देता है. तो इसको एक लेयर, अच्छे से एक लेयर लगा लीजिए चेहरे पे. इसको रखेंगे हम 15 से 20 मिनट. जब ये ड्राई हो जाएगा उसके बाद हम इसको नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेंगे. वॉश करने के बाद आप एलोवेरा जेल या फिर मॉइस्चराइज़र अपना लगा सकते हैं. सो यही तक था डे 5 का रेमेडी. आई होप आपको अच्छा लगे, ज़रूर ट्राई करके बताना डे 5 का कैसा रहा. तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे डे 6 का रेमेडी लेके. अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल.